योगी सरकार से तो हम क्या, जनता ही नहीं खुश है, बनारस की जो जनता है खुश नहीं है, गांव का विकास ही नहीं हो पा रहा है। तो 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला ना, जो बिना पढ़ाई किए बड़े लोग हैं, पूंजीपति और उच्च जाति के लोग हैं, उन्होंने बिना एग्जाम दिए रोजगार पा तो लिया, बाकी गरीब जनता तो पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिस तरह की आप देख सकते हैं कि आंकड़ा आता है कि एक दिन में 132 लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चलिए दोबारा मैं आपसे बात करूँ, क्या कहती है, राशन मुफ्त में मिल रहा है? राशन तो मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन उसमें यूनिट जो है 5 यूनिट होता है, 1 यूनिट कट जाता है। जो गरीब परिवार के हैं, जिनके जो जिनके जैसे कि पति हैं बाहर जाकर काम करते हैं या मजदूरी करते हैं, वो ठीक से खा नहीं पाते हैं। उनके योगी सरकार से संतुष्ट है? योगी सरकार से तो हम क्या, जनता ही नहीं खुश है, बनारस की जो जनता है खुश नहीं है, गांव का विकास ही नहीं हो पा रहा है। विकास नहीं हो पा रहा? नहीं, कहा जा रहा है कि वहाँ पे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, क्या कितनी सच्चाई, युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है? युवाओं को रोजगार मिल रहा होता तो आज युवा यहाँ पे इस मंच पे अपनी मांग लेकर नहीं आ रहे हैं। पिछले बार जब मार्च में मैं आई थी तो SSC के 5,000 स्टूडेंट्स संघर्ष कर रहे हैं अपने ज्वाइनिंग लेटर्स के लिए, उन्होंने एग्ज़ाम पास किए, मेडिकल पास किया, फिजिकल पास होने के बाद उनको जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अगर 60,000 वैकेंसी निकाली थी, 55,000 को भर्ती लेकर 5,000 को क्यों छोड़ दिया, जबकि उन्होंने एग्ज़ाम भी निकाल लिया, मेडिकल फिजिकल निकाल लिया, इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो दलित थे, वो शोषित थे, वो गरीब घर के लोग थे, इसलिए उनको जॉब नहीं मिला। कहा जाता है कि ये बीजेपी पार्टी है, बीजेपी का शासन है, ये गरीबों का शासन है, गरीब के लिए ये सरकार काम करती है। ये सर सिर्फ कॉर्पोरेट के साथ है, पूंजीपति के साथ है, गरीब जनता के साथ ना कभी थी ना कभी होगी। अगर गरीब जनता अब भी नहीं समझी, उनको अगर अब भी चिन्हित की तो ये तो कम शोषण हुआ, वो आने वाले दिनों में वो अपना घर छोड़ के उनको सड़कों पे घर बनाना पड़ेगा, उनका घर भी जब्त कर लिया जाएगा, उनकी खेती तो उन्होंने जब्त करने के लिए थाल लिया है, ये खेती के 3 कानून लाकर इस कानून में ठेका खेती के जरिए जो थोड़े बहुत जो कम बटा खेती वाले लोग हैं, जिनके पास थोड़ी खेती है, उनकी खेती तो पूरी की बर्बाद होने वाली है, और जो दूसरे के खेत लेके खेती किया करते थे उनका जीवन तो एकदम खराब होने वाला है, क्योंकि उनके पास खेती नहीं रहेगा। तो आपके जैसे कुछ और भी युवा है, वो कहते हैं कि हम बीजेपी को इसलिए समर्थन करते हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया, क्या कहते हैं उस पर? अगर बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर अच्छा, आप ये बताओ अगर हमको पूजा करना है तो हम छोटे से मंदिर में पूजा करेंगे तब भी हमारा सुनेंगे, हम बड़े से विशाल में करेंगे उसका क्या फ़ायदा? अगर मोदी सरकार को शिक्षा नीति के साथ रहना होता तो इस राम मंदिर के बजाय शिक्षा नीति को बढ़ावा देते, स्कूलों को बढ़ावा देते, जो इन्होंने 2 साल इस लॉकडाउन के दौर में 2 साल स्कूल बंद करके उसी स्कूल को और विशाल बना के डिस्टेंस में रख के बच्चों को पढ़ा सकते थे, मास्क और सैनिटाइजर वितरण करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता था। ऑनलाइन पढ़ाई होने के लिए जिसके पास 202 रुपये वो मनरेगा मजदूरी काम कर रहा है, साल के 200 दिन काम देने के बजाय वो साल के 10 दिन काम दे रहे हैं, उसमें वो 10,000 का फ़ोन क्या ले सकेंगे? आप ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पेमेंट भी तो करना होता है, जब उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पेमेंट क्या कर सकेंगे? हाँ, क्या कहती हैं? कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। ऐसा तो हम कुछ देखे नहीं है कि बनारस में कि विकास की गंगा बह रही है। मोदी जी ने गंगा की सफाई जरूर करवाई, लेकिन जनता के लिए तो कुछ नहीं किया है। वो अगर जनता के लिए कुछ, अगर जो जनता बेरोजगार है या युवा बेरोजगार है तो उनको वो रोजगार देते तो हम जानते हैं कि मोदी जी बनारस को या पूरे भारत को रोजगार दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, क्या गंगा की सफाई हुई है? गंगा की सफाई तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है, लेकिन जो मजदूर हैं गंगा के सफाई में जितना उन्होंने पैसा खर्च किया है, अगर उसके बजाय गरीबों को देखते या तो सड़क है, नाले हैं, गांव के जो हैं बेरोजगार रुके हैं उनके ऊपर खर्च किया होता तो आज ये नौबत नहीं आई होती। तो क्या लगता है इस बार जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं, क्या महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा? महिलाओं को वोट तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा, लेकिन हम जो भी आने वाले होंगे, जो भी जिनको हम चिन्हित करें, हम उनसे बस यही उम्मीद करेंगे वो शिक्षा नीति को सही कर दें और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर रोक लगा दें, और मोदी सरकार ने जो नारा लाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस पर वो अमल करके वो सरकार आ जाए और युवाओं को रोज़गार दे दें, और ताकि
आने वाले दिनों में अगर वो हमारे साथ जितना अच्छा विकास करेंगे हम उनके साथ उतना ही खड़े रहेंगे। आपने रोजगार का यहाँ पे जिक्र किया तो होर्डिंग लगे हुए दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में वहाँ पे होर्डिंग में लिखा है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। हाँ तो 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला ना, जो बिना पढ़ाई किए बड़े लोग हैं, पूंजीपति और उच्च जाति के लोग हैं, उन्होंने बिना एग्जाम दिए रोजगार पा तो लिया। बाकी गरीब जनता तो पड़ी हुई है, गरीब जनता तो घूम रही है। आईएएस पीसीएस के जैसे हो गए, टीचरिंग के लिए जो अप्लाई करते हैं वो एग्जाम निकाल के टॉपर पे रहते हैं, लेकिन इंटरव्यू में पता चलता है किसकी पहुँच है, कौन मोदी जी से ज़्यादा जिसकी पहुँच है योगी जी से, उनको टीचर बना दिया जाता है। जो उसके पास पहुँच नहीं, जिसके पास पैसे नहीं है, वो फिर से एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू में उसकी छटाई हो जा रही है। बहुत ही वो टैलेंटेड है तो उससे क्या मतलब है, लेकिन उनके पास पहुँच तो नहीं है ना, वो नीच जाति का है, नीचे जाति का है, वो भी तो बात आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण कार्ड खेल, ये क्या बोलते, अम्बेडकर कार्ड खेल रही है, वो अम्बेडकर साहब की मूर्ति बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि अम्बेडकर के जो बहुजन समाज के लोग हमारे साथ रहे हैं। एक्चुअली इस बार अंबेडकर जी के भक्त, जो अंबेडकर जी ने जो करके दिखाया है उस चीज़ को बहुत लोगों ने पढ़ा है और उनके साथ बहुत लोग खड़े हो गए हैं। इसलिए मोदी सरकार जानती है कि हम अंबेडकर जी को स्थापित करेंगे तो अंबेडकर के जो भक्त हैं वो हमारे साथ आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम भी अंबेडकर जी के भक्त हैं, हम भी अंबेडकर जी को पूछते हैं, हम तो मोदी सरकार के साथ कभी नहीं आएंगे। और हमारा परिवार, हमारे गाँव के लोग, इतना मतलब हालत हो गई है कि आप ये समझ सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया है कि 14 किलो यूनिट एक व्यक्ति के लिए अनाज की ज़रूरत होती है, लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ 5 किलो यूनिट अनाज हमें वितरण किया है। और लॉकडाउन के दौर पे इस 5 किलो यूनिट में हमने अपना कैसे जीवन चलाया है आप समझ सकते हैं। 10 किलो अनाज तो हमने कर्ज लेके ही खाया होगा, उस 10 किलो अनाज के कर्ज को भुगतान हमने किया, इसलिए हम आज किसी के गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि जब सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं रहती। और स्वास्थ्य में भी यही हाल है कि आप स्वास्थ्य का जिक्र कर रहे हैं, स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री गए थे उत्तर प्रदेश में, बोल रहे थे जिन इलाजों के लिए लोग मुंबई दिल्ली जाया करते थे वह इलाज अब उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, क्या कहते हैं इस पे, एक मिनट बात करते हैं। बोलिए, वो अगर कहते हैं कि स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं तो वो उसमें कोई बिचौलिया आ जा रहा है, बन भी नहीं रह पा रहा है, फिर कोई घूस लेकर बनवा रहा है, या तो फिर डॉक्टरी दूर है तो उनको पैसा भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। इससे हम संतुष्ट नहीं है कि अगर आयुष्मान कार्ड बने तो जिनका बने उनका इलाज हो परिवार का तब बने। क्या स्वास्थ्य के लिए मेडिकल सेक्टर सही हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सही है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, नहीं बना ही नहीं है, कहाँ स्वास्थ्य के। अगर वो कह रहे हैं उसके बजाय अगर गांव में एक चिकित्सा भी खोल दें गरीबों के लिए, अब दूर जाने आने यातायात का समस्या होता है सबसे पहले, तो फिर गरीबों के पास तो पैसा इतना नहीं है कि दूर बनारस में जाके वो 100-150-200 लगा के वहाँ पे जाए दवा ले अपना। इससे अच्छा कि हम अपने गाँव में ही वो कुछ कर दें। कोरोना काल में जिन लोगों की मौत हुई है, कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, क्या देश में ऑक्सीजन की कमी थी या नहीं? कमी बहुत थी, कमी के वजह से कितने लोग मर गए हैं। तो क्या ये लोग जो सांसद लोग या जो पार्लियामेंट में जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। हम बता रहे हैं, हम वहाँ बनारस से रातला बिरभानपुर गांव से अखाड़े देवी से आए हैं, मेरे बिरभानपुर में सिर्फ 35 लोगों का आंकड़ा है, तो सोच लीजिए इसी आंकड़े से कितना बड़ा गांव है, कितने लोग मरे होंगे। अगर ऐसा सुविधा होता तो कोई मरता नहीं, आज सब लोग रहते हैं। क्या बेटियों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है? बेटियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ नहीं किया है, बेटियों के ऊपर सिर्फ अत्याचार किया है। अभी आपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा, स्वास्थ्य में तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी इतना सर चढ़ चुके हैं, वो भी जानते हैं मोदी सरकार तो सिर्फ हमारे साथ ही है, क्योंकि हमारे पास हम पद पे हैं। वो जाओ तो वहाँ पे पर्चे लिख देते हैं कि आप जाओ, वो मतलब प्राइवेट सेक्टर पे हैं, वहाँ प्राइवेट सेक्टर पे जाओ, आपको फीस दे के इलाज करवाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट में भी जो डॉक्टर आपको देख रहे हैं वो कभी दवा वहाँ से वितरण नहीं करते हैं, कहते हैं यहाँ पे दवा नहीं है, आप जाके प्राइवेट सेक्टर से दवा लो। प्राइवेट सेक्टर पे दवा इतनी महंगी होती है कि गरीब जनता बिना दवा खाए, बिना इलाज करवाए मर जाता है। और गर्भवती महिलाओं के लिए तो आप सोच सकते हैं क्या हाल है इस मोदी सरकार में। हम इलाहाबाद से आए हैं, जसरा ब्लॉक से आए हैं, जसरा ब्लॉक में पता चलता है कि रात को आप गर्भवती लेडीज़ को ले जाते हो तो वहाँ की डॉक्टर्स जो नर्स होती हैं अगर रात को जाते हो तो उठने के लिए तैयार नहीं होती, ये नहीं देखती है कि कैसे तड़प रहा है मरीज़ हमारा। और अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो पहले आप 2000 रुपये पेमेंट करो, ऑपरेशन के लिए चाहिए होता है तो 5000 पेमेंट करो तो ऑपरेशन होता है। इस सरकार ने अगर हमको फ्री में वितरण किया हुआ है, फ्री में इलाज दिया है, तो हम क्यों पेमेंट करके हमको इलाज करवाना पड़ता है।